का कॉमेडी शोज के बाप कॉमेडी सर्कस में आप सभी का स्वागत है। इंडिया, आज कॉमेडी सर्कस के मंच पे होगा एक अरे ये क्या हो गया? अरे ओए लाइट दादा, लाइट ऑन कर, डर लग रहा है, ये अर्चना साथ में बैठी है। अरे मोमबत्ती लाओ यार। नहीं नहीं आची, नहीं नहीं मोमबत्ती तेरा कॉम्बिनेशन वो तो और डराना लगेगा। अर्चना जी आप बताएंगे आपका वो बिजली का मीटर कहाँ पे है? हमारे यहाँ बिजली बिजली का कोई मीटर नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ बत्ती जाती ही नहीं है। क्यों आप एडवांस में बिल भरते हैं? एडवांस नहीं है, चोरी की बिजली है। हम लोग क्या है ना कि क्राइम पेट्रोल से थोड़ी सी बिजली ले लेते हैं या फिर इंडियन आइडल से, हम अपना काम चला लेते हैं। सभी का हम स्वागत करते हैं इस शो में कॉमेडी सर्कस में। प्लीज आप अपने सीट पर बैठ जाइए, आज यहाँ कॉमेडी की बत्ती जलेगी और लाखों मीटर पे लाखों की कमाई करेंगे हमारे कॉमेडियंस। ओनली ऑन कॉमेडी शोज का बाप कॉमेडी सर्कस। हेलो, अरे क्या शाहिद भाई अंदर नहीं आने दे रहे आप? भाई मैं आपको लेने आता हूँ। आपको पता है हमने तो अर्चना का भी बैकअप बना के रखा है, कल को ये ना है तो हाथी वहां बिठा देना हमने। जो है ना मैं भाई को लेके जा रहा हूँ। वो जाजिस के साथ बिठाना ना, जाजिस के साथ खा जाएंगी वो चटनी लगा के। आपकी कभी किसी बुड्ढा आशिक से मुलाकात हुई? Because you know, एक बुड्ढा आशिक और पुराने खांसी दोनों एक जैसे होते हैं। एक बार पीछे लग जाए तो जाने का नाम ही नहीं लेते। और परोस का ऐसा ही एक बुड्ढा आशिक दो रोमांस करने वालों के बीच कबाब में हड्डी बना हुआ है। प्लीज वेलकम सिद्धार्थ अस बुड्ढा, मुबीन अस मुबीन एंड करिश्मा अस करिश्मा। अर्चना जी, श्रद्धा जी, यामी जी, माँ तू सही कहती थी, इस धरती में स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। ओह माय गॉड, यामी जी कैसी हैं आप? बहुत यामी जी, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपकी विकी डोनर देखी। थैंक यू। सच में आयुष्मान ने क्या काम किया, आयुष्मान आया हुआ है, मिली आप उससे? नहीं अभिलाष खड़े हो ना। ये डोनेशन के बाद का आयुष्मान खुराना है। अरे एक सुन, आपको देख के ना मुझे एक फोन कॉल याद आ रहा है, मैं जरा मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है उसे बुलाया है, उसके खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। हेलो, हाँ एक इडली और दो इंदू वड़ा। वैसे सोहेल भाई आज संडे और संडे के दिन घर खाली हो और गर्लफ्रेंड आ जाए तो मजा ही आ जाता है। मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड को बोला, गर्लफ्रेंड मेरी आ रही ये खुश हो रहे। अरे मैं फोन करके पूछ लेता हूँ, तवे से भी ज्यादा हॉट लड़की। हेलो। हाँ जानू, क्या कर रही हो जानू? मैं मंदिर में हूँ। मंदिर में पानी की आवाज कैसे आ रही है, बारिश हो रही है क्या? क्या? सुनो ना जानू, आज घर में बिल्कुल अकेला हूँ, घर भी अकेला, तुम भी आ जाओ, मजा आ जाएगा कसम से। मैं नहीं आ सकती, पापा पूछ रहे थे शादी कब करोगे। अरे जानू अपने पापा को ना मेरा एक शेर सुना देना, मैं शादी करके अपना घर बसा लूं हो नहीं सकता, खुद अपने पाँव में जंजीर डालूं हो नहीं सकता, अरे गिलास भर दूध तो दुकान में भी मिल जाता है पीने को, मैं उसकी खातिर पूरी भैंस पालूं हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, क्या बात है। भैंस तुझे ही बोला है फिर भी वाह वाह करी। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे सुनो सुनो, आज शाहिद कपूर का कटआउट आया हमारे शो में। शाहिद कपूर का कटआउट? हाँ आ जाओ। ठीक है आ रही हूँ। अरे शाहिद भाई अकेले में लड़की के साथ छुपके बैठे। अरे हंस क्यों नहीं रहे यार? शाहिद भाई ये लड़कियों का इंतजार भी कमाल का होता है, इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा ये मेरा इंतजार है या बलराज का एक्ट, खत्म भी नहीं हो रहा, समझ में भी नहीं आ रहा है। घंटी बजी, आ गई आ गई आ गई। अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, छोड़ा क्यों साहब? ऐसे धोखा ही देना था तो हाथ थामा ही क्यों? क्यों आए हो यहाँ पर साहब? आज संडे है, सोचा फ्री था,
एक छोटी सी शादी कर लेता हूँ। इस उम्र में शादी करके क्या करोगे? ख्वाश है। अरे निकल के लग जाएगा। एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये तुम्हारी क्यों नहीं मानते साहब? ना। अगर तुम्हारी मुंडी उखड़ के मेरे को लगी ना, मैं मार दूंगा तुम्हें। साहब, ना। अरे नहीं साहब, शादी तो मैं करके जाऊंगा। तू पागल है क्या? नहीं, अब पागल नहीं हूँ साहब, पहले था। अब तो सोने से पहले तकिए भी नहीं खाता। अच्छा, नहीं खाता? नहीं साहब। वेरी गुड। गद्दे खाता हूँ, वो सारी रात खत्म भी नहीं होते। अरे वाह, नया सोफा। हाँ, अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। अरे चाचा, आप जिंदा हो? नहीं, देखना मेरी तस्वीर टूट के गिरी तो नहीं। अरे नहीं 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 गिरी। अरे ऐसे कुछ चेक करता है सोफे को? हमारे सब ऐसे चेक करते हैं साहब। अरे वाह, नई एंकर। अरे ए, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं, किसी ने नहीं देखा। जाओ जाओ। इनको जज की कुर्सी में बिठाया क्यों जब देखते नहीं तो? जानू, गलत टाइम पे गलत डायरेक्शन मत दो। यार देखो, हड्डी को देख के ना कुत्ता खुश होता है, हड्डी नहीं। सुनो ना जान, मौका भी है, दस्तूर भी है। आओ, दो जान तीन जिस्म हो जाते हैं। क्या था? क्या? आओ, तीन जान दो एक। अरे कितने होते हैं यार? दो जिस्म। हाँ, दो जिस्म। हाँ, तीन जान हो जाते हैं। बेबी, घंटी बज रही है। हाँ, इसे टाइम पे बजती है, जाने मन बजती है। अरे गधे, दरवाजे की घंटी बज रही है। दरवाजे में कोई आया है साहब? साहब सुनिए, चाचा क्या कर रहे हो? गड्ढा इधर है। हाँ साहब। अरे वहां से कहाँ से आ रहे हो? इधर से आओ। हाँ साहब। ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप क्यों आए साहब? सुनो ना साहब, कहाँ गए? इधर इधर चाचा। साहब चाय पत्ती है? हाँ है। तो ठीक है, दो कप चाय बना दो। आप एक काम करो, सामने चाय की दुकान है अभिलाष टपरियाल। हाँ? हाँ? तो वहां से जाके आप दो चाय पी लो। ए, ये बुढ़ा बहुत पका रहा है, भगाओ से। ए, कोई है? कौन बोला? अरे कोई नहीं बोला चाचा। नहीं, कोई बोला है? कोई नहीं बोला। अहमद मोहम्मद सही। ये कुछ नहीं, आवाज गूंज रही है। क्या घर के बाहर जो ना बड़ा सा पहाड़ है। अच्छा। माउंट अर्चना, उससे आवाज टकरा के वापस आ जाती है। बोल के देखूं? हाँ। हैंडसम हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं हैंडसम हूँ। कुत्ते का बच्चा। हाँ वो तो तू है, वो तो तू है। जानू, अगर ये नहीं जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। देखा, आवाज आई है साहब। अब तो मैंने इसको दोबारा कन्फर्म किया। सुनो, मैं ना नकली पुतला लेकर आया हूँ मार्केट से। हाँ, आपको यकीन नहीं होता, अभी दिखाता हूँ। साहब, पुतला है। ओ लू लू लू। ओ लू 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 लू। ए, पुतले के साथ ऐसा कौन करता है? अरे साहब, क्या जिंदगी है साहब। आपकी जगह मैं होता, मैं अभी किसी संडे को लड़की के साथ एंजॉय कर रहा हूँ तो किसी बुड्ढे के साथ टाइम पास भी नहीं करता। अच्छा। अगर कोई बुड्ढा तंग करता है, मारो साले का गिरीबान पकड़ लो साहब। अच्छा। हाँ, कान पे तो ऐसे मारो साले, मारो मारो एक मारो साले के, मार मारो 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 साले मारो, सोना मत साला।
किससे पूछ के घर में घुसा? हाथ काट देंगे। किससे पूछ के घर में घुसा? हाथ काट देंगे। ऐसे मारो सा, यही टोन रखना। कॉलर पकड़ो साले की, मारो सा, फेंको साले को। चाचा हो की निकल लिए? मैं फ्रेश हो गया। हो की निकल ली? मैं फ्रेश हो गया साहब। हाँ मारो साले। साहब हाँ कहाँ हैं आप? अरे इधर हूँ, इधर चश्मा उतार के देखो। हाँ अब ठीक दिख रहा है, मेरी आंखें ठीक हो गई साहब। सुनो चाचा, वो मैंने भगा दिया उसको, अब क्यों आया है? छोड़िए उनका क्या लेना देना, चाय पिलाइए साहब। अरे देखो मैं जा रही हूँ सोहेल के पास, दिस टाइम नो बकवास, बाय। आज बेटा संडे तेरे साथ ही मनाऊंगा, चाय पीना ना तेरे को। साहब मेरी बात सुन, मेरी बात सुनिए। चाय चारे चाय तो फ्यू मेरी बात साहब बैग में कुछ। अरे नहीं 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 साहब चाय क्यों? एक मिनट साहब, एक मिनट, पत्ती कम है, पत्ती कम है। हेलो जानू। हाँ मैं नीचे ही खड़ी हूँ, बुढ़ा जाएगा तो बता देना, मैं जल्दी से ऊपर आ जाऊंगी। चाचा चाचा जाओ ना, चाय पिलाओ यार। अरे नहीं पकोड़े खिलाओ साहब। अच्छे तले हुए नहीं है। कोई बात नहीं साहब, हम तले हुए कच्चे खा लेंगे। खिलाओ पकोड़े खिलाओ। अच्छा जी मेरा तो मीटर ही चालू नहीं हुआ, पत्ती गुल हो गई। जय जय इनका एक्ट कैसा लगा है आपको अर्चना जी? एक्ट वॉज गुड, वेरी गुड, बट दिस इज फॉर सिद्धार्थ। थैंक यू मैम। ऐसा नहीं कि मुबीन और करिश्मा ने अच्छा नहीं किया, लेकिन सिद्धार्थ आप आउटस्टैंडिंग थे। थैंक यू मैम, थैंक यू। जो फिजिकल कॉमेडी सिद्धार्थ तुमने की है, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। और श्रद्धा आप कुछ बताना चाहेंगे? मैंने बहुत 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 एंजॉय किया। सिद्धार्थ आपका कॉमिक टाइमिंग और जिस तरह की कॉमेडी आपने की है अभी स्टेज पे, और उसके अलावा मुबीन एंड करिश्मा, वेरी वेरी वेल डन, मैंने बहुत बहुत एंजॉय किया, थैंक यू सो मच। और सोहेल जी, हम सब जानते हैं कि सब बंजे हुए एक्टर्स हैं, बट आई फेल्ट दैट जो एज एन एक्टर्स इन्होंने फुल कन्विक्शन के साथ निभाया है, फॉर दैट आई विल गिव देम थैंक यू एन अप्लॉज व्हिच दे डिजर्व एज एक्टर्स। तभी हम देख रहे हैं कितने पैसे कमाए। मुबीन, सिद्धार्थ और करिश्मा, आपको मिलती है 14 मंद मंद हंसी, 23 हाहाकार और 16 फेफड़ा फाड़, तो कुल मिलाकर लाफो मीटर पर आपको मिलते हैं 3,10,000 रुपए। श्रद्धा जी, यामी जी, देवेंदु, आप सभी ने बहुत सारी एड फिल्म्स की हैं, उसी अंदाज में हम कॉमेडी सर्कस में कुछ चीजें आपसे बिकवाना चाहते हैं, तो आप लोग आएंगे प्लीज? बहुत सिंपल है, ये आपको शराबी की स्टाइल में करना है। अगर अगर आप करते हो किसी से प्यार, तो कैसे कर सकते हो इनकार? ये ऐसी अद्भुत चीज है। आप अपने गर्लफ्रेंड को ना ये गिफ्ट कर सकते हैं, खुशी से उछल पड़ेगी ऐसे। मेरे डैडी ने भी ये पहना था, पता है? यामी जी, आपकी बारी। ये आपको बड़े ही सिडक्टिव अंदाज में बेचना। दोस्तों, पेश है एक बहुत ही दिल को लुभा देने वाली चीज। इसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाए। इसकी मार्केट प्राइस है 150 रुपए, लेकिन दोस्तों क्योंकि ये सेकंड हैंड है, इसलिए आपको मिलेगा मात्र 20 रुपए में। फिल्मों के डॉक्टर तो आपने देखे ही होंगे, ऑपरेशन शुरू करने से पहले वो कह देते हैं
आप सब कुछ भगवान के हाथों में है, पर सोचिए फिर कॉमेडी सर्कस के डॉक्टर क्या करेंगे। यहाँ एक पेशेंट की जान मुश्किल में है क्योंकि बीच ऑपरेशन में बढ़ती हो गई है गुल। तो देखते हैं ऑपरेशन होता है कितना सक्सेसफुल। प्लीज वेलकम बलराज एज बिजली कर्मचारी, दिव्यांश एज पेशेंट एंड आदिति एज डॉक्टर। हेलो मम्मी। हाँ मम्मी, बात तो गलत है मम्मी। नहीं औलाद तो निकम्मी है, ऐसे टीवी पे ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ घर के राज होते हैं मम्मी, नहीं बताने चाहिए। निकाल दो घर से। अरे तो तेरी मम्मी का फोन था। अरे बाप रे, श्रद्धा कपूर, यामी गौतम, इतनी सुंदर लड़कियां, ये होते हैं फ्रेश फ्रूट। इधर देखो सेल भाई, ऐसा फ्रूट ना सस्ते भाव में बेच रहे होते कि ले लो खत्म करो। सेल भाई दुनिया में कुछ भी हो जाए इनकी ब्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी है ना। गवर्नमेंट कोई भी फैसला सुनाती इनको कोई टेंशन नहीं होती। वरना मेरे को पता है जिस दिन प्लास्टिक बैन हुआ राखी कितना रोई है। सेल भाई बिजली कर्मचारी बना हूँ आज मैं। एक्चुअली वैसे तो मेरा नाम रमेश है, लेकिन क्या है मुझे प्यार से सब लोग साला बोलते हैं। क्योंकि क्या है ना, जब भी हम पावर कट लगाते हैं दुनिया ये बोलती सालों ने फिर बत्ती गुल कर दी। मेरा निकनेम साला है। हमसे ज्यादा टैलेंटेड डिपार्टमेंट पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा, जिस बंदे के घर में पंखा नहीं है वहाँ एसी का बिल भेजना टैलेंट है कि नहीं है। बिजली गुल करने का टाइम आ गया, अपन पावर कट लगा देते हैं। क्या है ना, रोज टाइम पे बत्ती गुल करनी बड़ी जरूरी है। लो, कोई है? अरे भाई साहब ये बिजली का दफ्तर है। नहीं मैडम ये मसाज पार्लर है। वो देखो दो पहलवान रखे मसाज करने के लिए। लेकिन क्या है ना, ये सिर्फ प्रोड्यूसर की टांगे दबाते क्योंकि चेक वहीं से मिलता है। अर्चना जी मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली बार आया था। भैया भैया भैया, जब आपका स्टैंड अप हो जाए ना तो बता देना, मैं पीछे खड़ी हूँ तब आ जाऊंगी, ठीक है? ये क्या तरीका हुआ? हाँ मेरे आने के बाद भी स्टैंड अप ही चलते रहते हैं। और चल एक तो राइटर साले हराम खोर, मैं इधर स्टैंड अप करता हूँ, बाहर लड़की को नई लाइनें लिखवा देते। सुनो सुनो, बकवास ना बंद करो। बकवास बंद कर देते हैं। और ये बताओ, तुमने बत्ती की गुल की? हाँ मैं ऑपरेशन कर रही थी, वहाँ बत्ती गुल हो गई, अब मैं क्या करूँ? तो मैडम बत्ती गुल हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, आपने दो लाइनें याद करनी होती है, आई एम सॉरी ही इज नो मोर। शाहिद कपूर, शाहिद हाय, रिमेम्बर मी, हमने चांस पे डांस किया था, रिमेम्बर हमने साथ में फिल्म किया, ऑफ कोर्स। उसी शर्म के मारे तो आए नहीं यहाँ पे। हेलो, हाँ बेबी बाद में बात करता हूँ, अभी मैं खुल चुका हूँ। अरे डॉक्टर साहिब, ऑपरेशन छोड़ के बीच में किधर चली गई? वो चाचा, वो ऑपरेशन के बीच में इंटरवल हुआ था, पॉपकॉर्न लेने आई है। ये लो। अरे क्या कर रहे हो, मरीज को कुछ हो जाएगा। ये मरीज है, और तेरे से बड़ी किडनी फेल होती शराबियों की। ये कहाँ से मरीज है, ये ले पॉपकॉर्न खा। अरे बोल रही हूँ मुंह से खिलाओ। तो मैडम मुंह से भी तो यही जाना, मैं तो टाइम बचा रहा हूँ। बेटा एक काम कर, इसे सीधा फ्लश कर यार, टाइम बचेगा। अरे यार तुम ये बताओ, ऑपरेशन में इंटरवल कब से होने लगा? नहीं होता। नहीं, आपकी फिल्म कितने घंटे की है? 2:40। 2:40, इंटरवल कितने? एक ही है जी। 2:40 की फिल्म है, उसमें एक इंटरवल, तुम 6-6 घंटे के ऑपरेशन में इंटरवल ही रखते है। सुहेल भाई इसी चक्कर में गलतियां होती, पता है इन लोगों से। 10 लाख रुपए मरीज से ले लेते, पेट में कैंची छोड़ देते हैं, उसको पता नहीं चलता वो बाहर से भी कट रहा है अंदर से भी कट रहा है। बकवास बंद कर वरना चोटी पे लटक के पीठ पे मुक्का मारूंगा, बता दे रहा हूँ। तू क्या देख रही है, सफेद लाश? एक तो मेरे घुटने के बजाय पेट का ऑपरेशन कर दिया, ऊपर से अकेला छोड़ के आ गई मुझे। ओ चाचा चाचा सुनो, मेरी कोई गलती नहीं है, अंधेरे में नहीं दिखता, और वैसे भी जहाँ इंसानों का घुटना होता है वहां तो उसका पेट लगा है, मैं क्या करूँ यार। चलो एक बात बताओ,
तुम तो समझदार बूढ़े पेशेंट बने, तुमको भी नहीं पता चला कि तुम्हारे घुटने की जगह पेट कट रहा है, तुम कुछ बोले क्यों नहीं? भैया ऐसे तो हमारी पहले एपिसोड से लाइन भी कट रही है। मैडम आप रिलैक्स हो, इधर आओ, आप इधर बैठो। चाचा रिलैक्स हो, इधर आओ, पानी पियोगे ठंडा? बेटा मेरा लीक हो जाना इससे अब पूछ ले। कुछ और नहीं तो पानी पिला दो। तो बाहर से ले लो, हमारे फ्रिज में तो बर्फ जमती नहीं है। ये फ्रिज में फाइलें कौन रखता है? अच्छा तुम लोग 5-5 दिन डेड बॉडी को वेंटिलेटर पे आईसीयू में रख सकते हो बिल बनाने के लिए, हम लोग फ्रिज में फाइलें नहीं रख सकते हैं जी। कमाल है, हम फालतू के बिल नहीं बनाते हैं। ओके डॉक्टर, लोग फालतू का बिल नहीं बनाते। भाई मैं ये इल्जाम अपनी जेब से नहीं लगा रहा, न्यूज चल रही सोहेल भाई हर जगह, नहीं यकीन आपको? अभी देख लो, ये देखो, ये देखो पेपर में आया। फ्रिज में फाइलें, टीवी में न्यूज़पेपर। मैं तो कहता हूँ जहाँ से सिद्धार्थ ठीक हो के आया ना, एक चक्कर तुम भी वहां का लगा लो। अरे यार डॉक्टर साहब ये टी शर्ट करना है, प्रिंट नहीं आया, पेट खुला है, इसे जल्दी से बंद करने के बारे में सोचो, ऑपरेशन करो मेरा। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो, देखो पूरे शहर की बत्ती गुल है लेकिन सिर्फ यहाँ पर बत्ती है, आपका ऑपरेशन मैं कर दूंगा, इधर आओ आप। अच्छा मतलब मेरे हिस्से का काम भी अब ये करेगा? वाह वो तो बेटा मैं पहले एपिसोड से कर रहा हूँ। श्रद्धा आप ही मुझे एक बात बताओ कि एक 2% के बिजली वाले और एक डॉक्टर के बीच में क्या बराबरी हो सकती? मैडम ऐसे तो श्रद्धा कपूर की भी अर्चना जी से कोई बराबरी नहीं है, लेकिन बेचारी बैठी है ना मजबूरी में। अच्छा, तो नहीं रहा। ब्लड टेस्ट करेंगे, इसको बहुत खून निकल गया, इसका ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप क्या है इसका? मैं चेक करता हूँ मैडम। ओ पॉजिटिव है सुहेल भाई। तुम्हें कैसे पता? मैडम मेरी गर्लफ्रेंड का ना यहाँ से कट गया था एक बार, तो मैंने ऐसे किया था, सेम टेस्ट है मैडम, ओ पॉजिटिव। टेस्ट करोगे आप? अबे यहाँ पे यार चटनी का पैकेट नहीं फटा, पेट फटा है मेरा, जल्दी से बंद करने के बारे में सोचो। देखो चाचा मैडम थोड़ा उधर जाओ, प्राइवेट बात करनी। और थोड़ा दूर उधर, मेरे को थोड़े से पैसे दे दो, मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज कर दूंगा। ये लो पैसे, लो ये लो और दो। अरे यार ये लो और लो और लो, पूरा पैकेट ले लो। इतने में तो 6 कच्चे नहीं आते, तू पेट बंद करवाने आ गया अपना। नहीं है मेरे पास। एक काम करो उठो पड़ा, मैं ना आपको ना एक अच्छे से दर्जी का नंबर देता हूँ, उसके पास जाके इसके टांके लगवा लो, और मैं उसको बोल दूंगा आपके यहाँ कढ़ाई कर देगा, सुंदर दिखोगे। ठीक है जा आराम से जाना जरा। हाँ जी मरीज हूँ। थैंक यू सो मच। जस्ट आप बताइए आपको कितनी हंसी आई श्रद्धा? बहुत हंसी आई। अदिति आपका जो बिगिनिंग था वो बहुत कमाल का था, ये हई आपका ही है, आपने ही क्रिएट किया है? हाँ एक्चुअली इसकी मजाक उड़ाते हैं बलराज की। सुपर सुपर व्यांश आपकी टाइमिंग बहुत सही है यार, बहुत बहुत सही है, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक एडवांस्ड कॉमेडियन एक छोटा बच्चा है, बहुत मजा आया, रियली रियली गुड। अर्चना जी आई एंजॉय दिस एक्ट थरली, डिलाइटफुल एक्ट, और इस एक्ट में तीनों ने बहुत बहुत अच्छा काम किया। इन ऑल जो लिखा था और लिखाई के ऊपर आप जो तीनों ने काम किया है वो काबिले तारीफ। वेरी नाइस। और सहज जी ऑब्वियसली जो लिखा गया था और जो परफॉर्म हुआ है वो कुछ अलग ही था, लेकिन इन तीनों में वो कैपेसिटी है कि इम्प्रोवाइज करके pick it up from where you drop it, each one of them, and especially Balraj. एक होता है कि jokes जो होते हैं दूसरे पे मार लो, और अगर वहाँ नहीं फूटा तो खुद पे मार लो, और आप सब ने एक उसकी responsibility ले ली है, which comedy circus needs an applause for that. Well said. अब देखते हैं लाफोमीटर पर इनकी कमाई क्या हुई। बलराज अदिति और दिव्यांश, आपको मिलती है 14 मंद मंद हंसी, 18 हाहाकार और 14 फेफड़ा फाड़, तो कुल मिलाकर लाफोमीटर पर आपको मिलते हैं 2,65,000 रुपए। थैंक यू गाइस सो मच, थैंक यू। सोहेल जी
कुछ लोग कहते हैं कि प्यार पे कभी किसी का पहरा नहीं होता, इज दैट राइट? और हमारा एक्ट कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि शराबी पति करना चाहता है बीवी से रोमांस, लेकिन जॉइंट फैमिली की वजह से नहीं मिल पा रहा है उसे घर पर कोई चांस, इसलिए अब बीवी को लेकर पहुंचा है बन स्टैंड। देखते हैं कैसे बजेगा उसके प्यार का बैंड। प्लीज वेलकम पारितोष एज शराबी हस्बैंड, ओजस्वी एज वाइफ एंड अनिता एज पुलिस। अर्चना जी, हाँ, आज मैं बहुत टुन हूँ, तो अगर मेरे मुंह से कुछ भी गलत निकले तो ऐसे माफी मांगना, क्योंकि गलती आप ही की होगी। देवेंदु भाई, आपसे मोहब्बत किस कदर है देखो, पिक्चर में आप मर जाते हैं, आपकी फोटो टांगते हैं, हमने बदला लीड रोल के फोटो लगा के किया है। श्रद्धा, आपको देख के मम्मी की याद आती है, क्योंकि मेरी मम्मी को ऐसी बहू चाहिए। मैंने बोला नॉट अ बिग डील, मैं यूं पटा के लाऊंगा, लेकिन मम्मी तू सोच, ऐस समझी शक्ति जी तुझसे गले लगेंगे। उस दिन पहली बार मेरे बाप के मुंह से आऊ निकला है। चल भाई, मैं शराबी बना हूं, लेकिन मैं अंडर प्ले कर रहा हूं। अच्छा। क्योंकि फिजिकल भी मैं करूंगा तो सिद्धार्थ सागर क्या करेगा। ये चीज मैंने बलराज से सीखी है। अच्छा। वो कभी फिजिकल नहीं करता। अगर इसको फिजिकल करना आता तो 44 साल तक कुंवारा थोड़ी रहता। सच बताएं, हमारी स्थिति भी बहुत खराब चल रही है। 3 साल हो गए शादी को, अब तक सिर्फ घूंघट ही उठा पाया हूँ। अरे, आई हैव फैमिली प्रॉब्लम। एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली से आता हूँ, एक कमरे का घर है और 45 लोग रहते हैं। रात में सोते वक्त सब एक साथ खराटा लेते हैं तो ऐसा लगता है कोई फैक्ट्री चल रही है। हमारे घर में सोहेल भाई को घुसता है ना तो सर पे चद्दर रख के और हाथ जोड़ के घुसता है, क्योंकि 55 जोड़ी चप्पल बाहर होती है, उसको लगता है अंदर जगराता चल रहा होगा। अंदर जगराता चल रहा है, पर हमारी कोई रात जगने वाली नहीं चल पा रही है, इसलिए हमने बैंड स्टैंड चुना है। अरे ये देखो साला, यहाँ भी लाइट लगा दिया। शहर का यही एक कोना था जहाँ प्यार पनपता था। वाह, समझ में नहीं आता है वो अंधेरे के खिलाफ है या मोहब्बत के। तेरे को तो फोड़ के मानूंगा मैं। या तो जल जा या बुझ जा बल, ये बन बुझ क्या लगा रखी? शर्म कर साले, श्रद्धा कपूर बोल रही है। अगर हमको बोल दे तो खुशी के मारे हम फूट जाएंगे साले। ए, ए। गजब हो गया, गजब हो गया। 3 साल से सिर्फ गजब हो रहा है। ऊप कब होगा? ऊप और उल्लू। नहीं, ऊप और थप्पड़। ऊप और थप्पड़? ऐसा थप्पड़ मारेंगे मुंह से ऊ निकल आएगा। तेरे को पता प्यार क्या होता है? तो बता, प्यार, इश्क, मोहब्बत, उल्फत क्या होता है? मेरी आई बाजी सब। अच्छा सुन, तू जिस स्कूल में पढ़ाती है, तेरा मन नहीं करता है कि उस स्कूल में तेरे बच्चों का भी नाम लिखा जाए? हाँ हाँ, मैंने तो बच्चों का नाम पहले से ही सोच लिया है। सीधे नाम पे पहुंच गई, केबल लगा के घूम रहे हैं, टीवी का पता ही नहीं है। क्या करूं मैं तेरा, तेरी तो मैं तेरे तो अरे इतने बड़े स्टेज पे आया हूँ, कुछ ना कुछ तो उखाड़ूंगा ना। ए, क्या कर रही हो? मैं शादीशुदा हूँ। मैं भी शादीशुदा हूँ। तो हम दोनों उन दोनों को धोखा दे रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। ढक्कन, तेरा मुंह सूंघ रही हूँ। ये देखो अनीता हसनंदानी, 4 लाख पर एपिसोड लेके हमारा मुंह सूंघने आती है। टिंगल कर रहे हैं? रुक जा, तुझे तो मैं बिठा के मारेगी। ए, कहाँ बिठा के? कील की कुर्सी पे। कंफ्यूज हो जाएगा कि तू चिल्ला क्यों रहा है, कील के वजह से या मेरे थप्पड़ के वजह से? बहुत टाइम वेस्ट कर रहे, तू मुझे ये बता, ये सरकार का तूने तोड़ा क्यों? अरे यार, मैं कहता हूँ इसको लगाया क्यों? कौन सा बेंशन पे कछुए अंधेरे में गैलेक्सी में घुस जाते हैं? सुहेल भाई, जिस गैलेक्सी में अर्चना जैसे मगरमच्छ को धक्का मार देते हैं, उधर कछुए कहाँ से जाएंगे? क्यों लगाया?
को तो मैं बाद में देखेगी। ए, तू कौन है? हम इनकी पत्नी है। ओ, पत्नी को बैंड स्टैंड लाया है। ये प्रोग्राम तो घर पे भी चल सकता है ना? अबे मेरे घर पे प्रॉब्लम है, इतना छोटा सा मेरा घर है, उसमें 45 लोग रहते हैं। अगर एक नंबर करना होता है तो 12 लोगों के पेट पे लात रख के जाना पड़ता है। हो गई तेरी राम कहानी खत्म, अब निकल यहाँ से, जल्दी निकल। अरे यार कम से कम आधा घंटा तो बैठने दो ना। आधा घंटा तो मैं कब बैठूंगी रोहित के साथ? जो रोहित कौन है? मेरा हस्बैंड है। वो क्या है ना, मेरी भी जॉइंट फैमिली है, तो टाइम नहीं मिलता। 5 साल हो गए शादी को पर कुछ भी नहीं हुआ। पत्थर उठा और कोई और बल्ब तोड़ जाके बैठ जाना खोपचे में। गुड आइडिया, ये पत्थर से दूसरा तोड़ देता हूँ। अब बत्ती गुल हो ना हो, हमारा मीटर तो चालू होगा। सहल जी आप बताइए, ये बैंस्टन की प्रेम की कहानी कैसी लगी है आपको? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अरे थैंक यू सर। बिगनिंग से लेके एंड तक ऐसे फटाफट पंचेस डिलीवर करना, वो एक जेन्युइन स्टैंड अप कॉमेडियन हो, वो आप हो परेशन। अनीता, व्हेन यू केम इनटू इट और यू ब्रॉट इन योर लाइफ आल्सो, जब भी कोई कुछ चीज लिखता है अगर उसमें एक सटाया हो, बाय द एंड ऑफ इट मीनिंगफुल एक्ट हो जाता है। ये वैसा एक एक्ट था। यस अर्चना जी, इसे कहते हैं कंप्लीट एक्ट। इट बिगैन वेल, मिडल वाज फैंटास्टिक एंड इट एंडेड वेल आल्सो। आपने इस एक्ट की कभी बत्ती गुल होने दी ही नहीं। और श्रद्धा, ऑल थ्री ऑफ यू वर रियली गुड, बहुत बहुत एंटरटेनिंग एक्ट था। एंड परितोष, आपकी टाइमिंग बहुत ही सही है। एक ये है कि आपके पास स्क्रिप्ट है पर अगर कुछ मिस हो गया देन हाउ डू यू इम्प्रोवाइज। आई थिंक कि आपने बहुत अच्छे से किया एंड आई रियली एंजॉयड द एक्ट। थैंक यू शर्मा। थैंक यू। तो हंस हंस के हमारी बत्ती गुल हो गई, देखते हैं अब कमीटर कितना चालू है। पारितोष, अनीता एंड ओजस्वी, आपको मिलती है 18 मंद मंद हंसी, 21 हाहाकार और 13 फेफड़ा फाड़, तो कुल मिलाकर लाफो मीटर पर आपको मिलते हैं 2,80,000 रुपए। गाइस कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यामी, श्रद्धा, मैंने आपका प्रोमो देखा है, इट्स लुकिंग रियली नाइस। और वो जो गाना है व्हेन यू गॉट गोल्ड, वो जो स्टेप है बहुत ही कूल है। इफ यू गाइस डोंट माइंड, आप प्लीज मुझे करके दिखाएंगे? ये स्टेप का आइडिया कुछ ट्रेन वेन में मिला था क्या? ये आइडिया एक्चुअली द ग्रेट गणेश आचार्य का है। हम सब पागल हो गए जब उन्होंने हमें ये स्टेप दिखाया। बहुत सही स्टेप था। हम आपको यहाँ पर ना कुछ ऐसे ही सिचुएशंस देंगे, आप उसके लिए अच्छे से हुक स्टेप्स बनाए, ठीक है? तो फर्स्ट सिचुएशन इज वॉशिंग मशीन में डांस। मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, शादी कर ले सब बढ़िया, फूटेगी फिर फूल जानिया, बढ़िया बढ़िया। और अर्चना जी, वो संजय बाबू की इमेज ना संजू फिल्म से भी बहुत बढ़िया बढ़िया हो गई है, और इसलिए आ गए हैं हमारे विजय सालिया अपनी बायोपिक बनवाने के लिए, क्योंकि विदेश जाकर उनकी हो गई है बत्ती गोल। तो चलिए देखते हैं विजय सालिया की बायोपिक कैसी बनती है। प्लीज वेलकम गौरव एज विजय सालिया, अभिलाष एज राजकुमार नुरानी एंड साना एज मॉडल। आ जाओ बैठो बैठो बैठो। ओह माय गॉड बाबू, यहाँ पे कितने कैमरास हैं। अरे बाप रे, कैमरा दीदी जाओ यहाँ से, दीदी जाओ यहाँ से, आगे से, आगे से, हट। कैमरा इमेज खराब है, माफ करना, ये मेरा नहीं है। कहाँ फेंकू, कहाँ फेंकू? कचरे की पेटी, कचरे की पेटी, यही तो है। कोयल भाई देख लो, जिंदगी भर बियर पी मैंने, आंखों से आंसू की जगह बियर निकल रहा है। स्ट्रांग है, बी स्ट्रांग विजय सालिया, बी स्ट्रांग। अर्चना जी, पहचाना? अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूल गई आप? जब मेरे पास पैसे हुआ करते थे तो कहती थी विजू वहां चलते दारू पीना। आज मैं गरीब हो गया तो फोन भी नहीं उठाती मेरा। मुझे पता है
मुझ जैसे धोखेबाज को छोड़ के आपने नया धोखेबाज बॉयफ्रेंड बनाया है, विपुल दिशा। एटीएम, मेरे सामने एटीएम रख के बड़ी बेवकूफी की तुम लोगों ने। ये देखो, मैं जिससे गले मिलता हूँ उसका चुरा लेता हूँ। देखता हूँ किसका है। उला ला ला ले लो, आपके खाते में 26 रुपए हैं। किसका है ये? ये तो ज्वाइंट अकाउंट है, परमित और अर्चना, 26 रुपए। 20 परमित के, 6 आपके। क्या बात है, 4 एपिसोड के पैसे मिल गए। ला 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 लो, ना मिले तो छील लो। हाय हाय, लेकिन मेरी इमेज बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए मैं अपना बायोपिक बनाना चाहता हूँ, और मैं उस डायरेक्टर को बुलाना चाहता हूँ जिसने अभी अभी बायोपिक बनाई है संजू की। नहीं, वो तो हिट हो गई ना। हाँ, दूसरी बायोपिक बना रहे, संजय दत्त को हीरो ले रहे हैं उसमें। नहीं, अर्चना पूरन सिंह की बायोपिक है ना। नाम है वन मैन मैनी रिजेक्शंस। पहचाना? नहीं पहचाना, एक मिनट। ए सालिया! देखा अर्चना जी, इसे कहते हैं आइडेंटिटी। अबे कैसी आइडेंटिटी है बता यार, हैं? पूरे देश की बत्ती गुल करके अपना मीटर चालू है जी इसका। नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज मेरा बायोपिक बना के मेरा इमेज ठीक कर दो। देखिए, आपने लाइफ में जितने कांड किए ना, 2 घंटे की फिल्म में सब कुछ कवर कर नहीं पाएंगे। आप क्राइम पेट्रोल वालों के पास जाइए, कम से कम 200 एपिसोड गारंटीड है। मेरी बायोपिक बनाएगा कि नहीं? मेरी बायोपिक बनाएगा कि नहीं? मेरी बायोपिक बनाएगा कि नहीं? पहले दिखा दिया करो ना यार, ये इतना लंबा लंबा बुलवा दो। नहीं यार, मेरे को नाम आपकी बायोपिक का पता लग गया। हाँ, विजू, वन मैन मेनी लोन्स। देखिए, जो आपकी पिक्चर है ना, वो मेरे ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। आपने गदर देखी है? गदर देखी हमने, हैंडपंप वाली, बिल्कुल। हाँ, उसका सिक्वल बनाओ, गद्दार, एक प्लेन का था वो। आप ये बताइए, आपकी स्टोरी क्या है? अपना लाइफ, कभी इस बैंक तो कभी उस बैंक। किसी दिन कड़की की वजह से अकाउंट ने जवाब दे दिया, फिर सीए ने बोला तेरा चैप्टर क्लोज। फिर अपुन ने एक दिन ऐसा लोन लेके भागा, ऐसा लोन लेके भागा कि लोग विपुल दिशा से कंपेयर करने लगे। फिर मैंने पाई 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 तक नहीं छोड़ी। तो ये पहला लोन कब लिया था आपने? गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जाने के लिए। सो क्यूट। और दूसरा? उसी गर्लफ्रेंड का मुंह बंद करने के लिए। उसके अलावा कितनी गर्लफ्रेंड थी आपकी? संजू की कितनी थी? मेरे को 350 बताई थी कुछ। बस उसका दुगना समझ लो, क्योंकि मैं नशे में नहीं था भैया, मैंने प्रॉपर गिनी है 712। झूठ बोल रहा है ये आदमी। गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो और मुझे भूल गए? मैंने आपको पहचाना नहीं। ताज होटल? नहीं, ओबराय होटल। अरे, कौन से होटल की रिसेप्शनिस्ट थी तुम? देखो, बकवास मत करो, चलो मेरे पैसे दो। हाँ। तुमको हीरोइन बनना है? हाँ, मुझे बनना है। राजू भैया, जो मेरी बायोपिक बन रही है ना, हाँ, उसमें एक बड़े से क्राउड में छोटा सा रोल दे दो इसको। दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्टिंग आती है आपको? हाँ, मैं श्रोता की मिमिक्री कर सकती हूँ। कमाल है, करिए करिए करिए। ए विलेन, ए मैडम, इस साइड एक बार कर दीजिए। ए विलेन। वो क्या है, दोनों कान बराबर खराब होने चाहिए ना। अच्छा, अब क्या करते हैं, आपकी कहानी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब ये छठा सीन आपका, छठा सीन है। मैं क्या कर रहा हूँ? आप गाड़ी को धक्का लगा रहे हो। ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ? आप गाड़ी के अंदर बैठी हुई हो। वाह, मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूँ। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी गई खाई के अंदर। सुनो, तुम्हारे पास कोई बेड सीन है? आपको कोई भी सीन देंगे, बेड तो आप खरीदोगी। ये तुम्हारा दगाबाज क्यों बजा बे?
नहीं, अब सब कुछ खुल ही गया है तो मैं सब कुछ खोल देता हूँ। बाय। नीरव। नीरव। आपका छोटा भाई भाई। अरे छोटा। नीरव सूडी। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? अभी 19,000 करोड़ तो मैं भी लेके भागा हूँ, लेकिन आपके छोटे भाई ललित क्रिकेट वाले आपको इतना मिस करते, बोलते एक शेयर मेरे के मिलते नहीं। आप एक बार फोन लगाता हूँ। फोन करो। फोन करो। ललित भाई क्रिकेट वाले। इसका कैसे बजा बे? वो क्या है नाम? मैं ललित हूँ। हे भगवान, जब इतना कुछ चेंज करवा रहे थे तो मुंह सना सही तक क्यों लगवाया? श्रद्धा कपूर का लगवाते? वो क्या है ना, कॉमेडी सर्कस में तुम दोनों से ज्यादा सना सही चल रही है। इसी बात पे एंड बनता है भैया। तो अच्छा जी, आप विजय सालिया का आइटम सॉन्ग देखना चाहेंगे? तो विजय सालिया साहब आए तो बस, मतलब स्टेज पर बाहर आ गई, बस वो अब देश भी वापस आ जाए तो देश पर भी बाहर आ जाए। एक टॉपिक पर हम सोशल मीडिया में एक मीम देख लेते हैं, लाइन हम बोलते वाह वाह कितना अच्छा लिखा है, पर हमारे यहाँ पर जो आपने एक्ट किया है उसमें एक नहीं दसियों ऐसे पंच लाइन्स थी। I really love the writing of this act and I love three of you in the performance. Thank you, ma'am. Very nice. Sahil ji. Abhilash, Gaurav, आप लोग हमेशा जो है सना को सपोर्ट करते थे। इस एक्ट में सना ने आप लोगों को सपोर्ट किया है। And I was enjoying watching you this time. Thank you. You are fabulous. Thank you so much. Thank you. श्रद्धा, आप कुछ बताना चाहेंगे? All three of you did full justice to it. बहुत मजा आया। मैं actually अपनी हंसी को अभी भी control कर रही हूँ। I had a great time watching your performance. Thank you. तो चलिए देख लेते हैं कि इन्होंने आपको कितने रुपए दिए हैं इराफा मीटर पे। गौरव, साना और अभिलाष, आपको मिलती है 12 मंद मंद हंसी, 18 हाहाकार और 12 फेफड़ा फाड़। तो कुल मिलाकर लाफो मीटर पर आपको मिलते हैं 2,40,000 रुपए। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिहाइंड द सीन्स क्या कुछ हुआ वो यहाँ पर एक्टर्स हमें खुद बताने वाले हैं। आप सबके सामने कुछ एरोज पड़े होंगे, मैं यहाँ से कुछ सवाल आपसे पूछने वाला हूँ, और स्पेशली शाहिद भाई हमारे साथ हैं। शाहिद भाई, अभी वो प्याज की छिलकी थोड़ा स्टाइल मारा, हुल दिया, इतने में दूर होता है क्या? अभी तो हीरो ने एंट्री मारी है, आगे आगे देख होता है क्या। अभिलाष, हाँ काम कर अपना। पहला पोस्टर जो फटेगा तो पीछे से हीरो नहीं निकलने वाला है। ओके, तो सवाल जो आपसे पूछने वाला हूँ, इन एरोज का यूज करना है और आपको लगता है कि जो सबसे परफेक्ट आंसर है उसकी तरफ आपको एरो पॉइंट करना है। शाहिद भाई रेडी? रेडी। खाना खाने के बाद डकार कौन मारता है आपने? For a moment I thought he's pointing to me. मैं तो फिल्म में भी नहीं हूँ। शाहिद भाई ये किसकी तरफ कर रहे हैं? एक सेकंड, ये वहां तो चार लोग बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा अर्चना। शाहिद भाई बोला ना उन्होंने, वो फिल्म में नहीं है। फिल्म में नहीं, अपने घर में डकार मारती थी, आवाज सेट तक आती थी। आप में से कोई ऐसा इंसान था जो हमेशा सेट पर लेट आता था? आपके पास शाहिद कपूर का ऑप्शन भी है।